प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, श्याम नगर स्थित सामुदायिक केंद्र सहित विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जन ने मन की बात को सुना। और दवाइयों के लिए एक जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, हर चिकित्सक अपने। और मन की बात के आयोजन ऐसी कॉलोनियों में, ऐसी बस्तियों में जहां जनता को जरूरत है यह जानने की कि देश में किस तरह का विकास हो रहा है और हम उस विकास का लाभ कैसे लें, आम जनता तक कैसे लाभ मिले, आगे चल करके इसको यहां तक जोड़ेंगे कि लोगों को मन की बात सुनने के लिए आए और नौकरी भी पाएं। आज मन की बात का 109वां संस्करण था और हर बार की तरह प्रधानमंत्री जी हर महीने देश के मन की बात, देश में क्या घट रहा है और एक कॉमन भारतीय जिनको हम सोच भी नहीं पाते थे उनके विषय में क्या वो इस देश के लिए कर रहे हैं, वो सारा कुछ जानने को मिलता है। देश के विभिन्न सांस्कृतिक पहलू से, सामाजिक पहलू से और जितने भी हमारे रचनात्मक कार्य हैं उन सारे उन भारतवासियों को आज मन की बात से देखा। हिंदुस्तान ही दुनिया में मन की बात ने अपना नया मुकाम हासिल किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मन की बात में आम सामान्य जन की बातें उठाई है। किस प्रकार से गुमनाम व्यक्ति भी अपने अपने स्तर पर 100% डिवोशन के साथ अनूठे कार्य संपादित कर रहे हैं, उन सबको रेखांकित करके आम जन के बीच में लाना, वो भी इवोल्यूट हो, उनका भी विकास हो, उन पर भी लोगों की नज़र जाए, इस प्रकार के नवाचार करके निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात को नया मुकाम दिया है। आज मोदी जी ने जो मन की बात के अंदर बताया कि आयुर्वेद को कोडिंग करके इसको विश्व स्तर तक सभी डॉक्टर्स तक पहुंचाया जा रहा है, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो आयुर्वेद समय के कालखंड में दबकर रह गया था और जिसे जिसकी कई ऐसी विद्याएं हैं आयुर्वेद के अंदर, ऐसी कई हमारे पंचकर्म और कई चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब वो जब कोडिंग की तरफ चला जाएगा तो इसका ग्लोबलाइजेशन होगा और आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा मिलेगा।